डबल इंजन की सरकार जब राशन फ्री दे रही है उससे आपको फायदा है कि नुकसान है हमको फायदा है कैसे जो गरीब रोटी के लिए दिन भर मेहनत करता था राशन मिल जाता तो हम कहते बोलो राशन का जुगाड़ है मीटिंग में चलेंगे चल देता है राशन बीजेपी का खाता है रैली आपके आता है और क्या चलिए हाथ उठवा दें आज हाथ उठवा के बता दें बताओ कितने लोगों को राशन मिला है बोलो आपको मिलेगा साठ पैंसठ परसेंट लोग राशन लेने वाले लोग हमारी मीटिंग में आते हैं और झंडा अपना डंडा अपना नेता अपना पार्टी अपनी तय किए हुए हैं ऐसा थोड़ा है आप उठा कर देखिए बसपा के भी लोग राशन लेते हैं गैस सिलेंडर लेते हैं सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं लेकिन झंडा बहुजन समाज पार्टी नेता मायावती समाजवादी पार्टी के लोग भी लाभ लेते हैं सरकार की योजनाओं का सरकार की जो योजना किसी जाति विशेष धर्म के लिए तो नहीं ऐसा है। तो नहीं है कि मायावती जी थोड़ा ज्यादा शांत रहने लगी हैं इसलिए राजभर जी के झंडे और परचम ज्यादा हो गए हैं हम मायावती जी जी के साथ रहे हैं। राम जी के साथ साथ रहे रहे हैं हैं साल ऐसा नहीं है भाई राजनीति करने का सबका अलग, अलग अलग रहती तो राजनीति की तस्वीर अलग होती उत्तर प्रदेश की आपको लगता है मायावती जी एक्टिव नहीं है अभी देखिये पहली बात तो उम्र हो गई है उनकी दूसरी बात महिला है अब उम्र तो कई नेताओं की हो गई है दिल्ली में भी का दिल्ली में हो गई है तो उनके पास संसाधन है जुगाड़ है और मायावती जी चार बार मुख्यमंत्री रहीं ऐसा नहीं है उन्होंने दिखाया है करके हाँ ये जरूरत एक्टिव नहीं है इसे लोग साथ छोड़ रहे हैं दलित वोट बैंक भी टूट रहा है इसलिए बट रहा है देखिए तो दलित में साढ़े बाईस परसेंट दलित है तो जो उनका मूल वोट है जिसको जाटो या चमार कहते हैं वो आज भी उनके साथ डटा हुआ है चुनाव रिजल्ट आप सत्रह का देखिए उन्नीस का देखिए बाईस का देखिए चौबीस में भी देख लीजिएगा धोबी पासी खटिक ये कोरी जो शेड्यूल कास्ट की छाछड़ जातिया, जातिया हैं छाछड़ जातियों में पैंसठ जातिया बटी हुई हैं और एक जाति जो मजबूत बड़ी संख्या उसकी है वो उस मायावती जी के साथ है अभी भी हाँ हाँ है उसको कोई नहीं ले सकता अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि इस बार हम बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे लेकिन बीजेपी आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है मैं पूछूं कि नहीं <laughs> <आगे> पूछिए <है। laughs> क्या, क्या, क्या कह रहे हैं आपको लग रहा है मैं क्या जब आपने आप का नाम मुझे तो मुझे हंसी आई क्यों सुनाते हंसी आई समाजवादी पार्टी ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को जिताना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है हम चार उदाहरण देंगे आपको पहला मध्य प्रदेश का चुनाव अखिलेश जी ने क्या किया कांग्रेस को हरवाया किसको जितवाया इनडायरेक्ट बीजेपी को अब दूसरा एमएलसी का चुनाव होता है एमएलसी खुद अखिलेश जी थे पाँच साल छः साल थे अब उन्होंने अट्ठाईस साल के उम्र वाले को उन्होंने प्रत्याशी बनाए पर्चा भरवाए पर्चा खारिज हो गया जीता कौन भारतीय जनता पार्टी अब आगे चलते हैं हम ले चलते हैं जिसका नाम सीबीआई ने खनन घोटाले में अखिलेश जी का खुद नाम है आप लोगों के चैनल पे चला है ना अब उठा के देखिए आज तक सीबीआई उनके यहां कोई नोटिस क्यों नहीं भेजा दूसरा गोमती रिवर फ्रंट शिवपाल जी अखिलेश जी उनके पूरे खानदान का उसमें नाम है अब योगी आदित्यनाथ जी अभी पहली दिसंबर को दो पहली दिसंबर दो को एक एक बिंदु पर कहा कैसे कैसे लूटा है इन्होंने सदन के अंदर खोल के बोल दिया गिरफ्तारी क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं रात को गुलदस्ता लेके योगी मोदी अमित शाह शरणम गच्छा में वहां शरण में जाते हैं जान बचाए रखिए नहीं क्या कारण है कि ईडी सीबीआई इनके यहाँ नहीं जा रही है इतने मुकदमे लिखे गए हैं हमारे आपके खिलाफ मुकदमे हों तो पुलिस गिरा ले जाती है उनको क्यों नहीं पकड़ रही है तो ये मदद कर रहे हैं अब आइए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी को जिताना है वो खुद खुल करके भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं सात नामांकन होते हैं दो दिन पहले या फिर अखिलेश जी अमित शाह जी से मिलते हैं आठवां नामनेशन हो जाता है कब मिलते से हैं ये सब की जानकारी आपको मिलती रहती है अरे कब मिलते हैं अरे जब मन कर ये ये रिपोर्ट आपको कौन देता है तस्वीरें नहीं आती आपको खबर मिल जाती है अच्छा तस्वीर हम दिखा दें आपको अभी मोबाइल चालू करके हम तस्वीर दिखा दे अखिलेश जी इस परिवेश में जेपी नड्डा को गुलदस्ता क्यों दे रहे हैं वो गुलदस्ता बचाव का है आप ऐसा कौन सा मंत्र फूंक देते हैं जो आपका बचाव हो जाता है आप हर समय अरे हम इतने टिकाए देते हैं सब देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम रोटी के लिए लड़ते हैं लोगों को रोटी के लिए लड़ाते हैं हम धन संपत्ति धन इकट्ठा करने के लिए नहीं लड़ते अगर मैं उसके लिए लड़ता तो आपको बता दूं मैं मिनिस्टर था सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए अमित शाह जी से लेके मोदी जी से लेके खन्ना जी से लेके पूरी सरकार से हम लड़ते रहे जब ये बात उन्होंने मुझसे वादा किया था कि होगा, नहीं किया तो दो साल में मंत्री पद छोड़ दिया जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे